हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सर्दियां अपनी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही हैं और ऐसे में कुछ गर्मा गर्म खाने की इच्छा करती है। तो आज मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म राजस्थानी कढ़ी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और कढ़ी और चावल का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन आज मैं बना रही हूँ कढ़ी और कच्चे लहसुन यानी हरे लहसुन के पराठे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बैठता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और रेसिपी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें चाहिए 1 कप दही, ये ज़्यादा खट्टा नहीं है, हल्का खट्टा दही है। इसे डाल लेते हैं एक मिक्सिंग बोल में। साथ ही ले रही हूँ मैं 1/3 कप, ये देखिए आधा कप से कम है, 1/3 कप बेसन ले रही हूँ, ये भी इसमें डाल देते हैं। और साथ ही डालते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और धनिया। धनिए का यूज़ अभी नहीं करेंगे, बाद में कैसे करेंगे वो देखते हैं। और अब डालेंगे 1 चम्मच नमक और अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप पानी। ये 1 कप पानी डाल रहे हैं यहाँ पे और इसको अच्छे से मथनी की सहायता से हम मिक्स कर देंगे। टोटल इसमें 4 कप पानी लगेगा क्योंकि हमने 1 कप दही लिया है, उसके साथ 4 कप पानी चाहिए। लेकिन अभी मैं यहाँ पे पहले मिक्स करने के लिए 1 कप डाला है मैंने और अब 1 कप और डालेंगे। और ये बैटर हमारा तैयार है। अब बाकी जो पानी है हम बाद में डालेंगे। यहाँ एक कढ़ाई ले ली है मैंने, उसमें 1 चम्मच भर के तेल डाला है। इसे गर्म होने देते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें डालेंगे जीरा, फिर डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच राई। ये लाल वाली राई है, सरसों नहीं डालेंगे इसमें, कड़वा फ्लेवर आता है उसका, राई डालनी है इसमें। और अब यहाँ डालेंगे धनिए के बीज यानी कि साबुत धनिया, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ी में, ये ज़रूर डालें आप। और उसके बाद डालेंगे 1/2 चम्मच दाना मेथी। सबसे लास्ट में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि अगर ये ज़्यादा पक जाता, ज़्यादा सिक जाता तो इसका फ्लेवर कड़वा हो जाता है और फिर सारी कढ़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। उसके बाद डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, अच्छे से पक जाने देते हैं। और यहाँ 2 हरी मिर्च मैं बीच में से चीरा लगा के डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा तीखी ना हो जाए कढ़ी। अगर कोई नहीं भी खाना चाहता है तो वो इसे निकाल सकता है अलग। अब जो बैटर हमने बनाया था दही और बेसन का वो डाल देंगे। और यहाँ अब फ्लेम को कर देंगे फुल और इसे जब तक चलाते रहेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए या इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। ये देखिए गाढ़ा हो चुका है और इसमें उबाल भी आ चुका है एक। अब यहाँ पे आप अपनी इच्छा के अनुसार पानी डाल सकते हैं, आपको कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा खाना पसंद करते हैं, ये देखिए यहाँ ये इतनी गाढ़ी हो चुकी है, अब इसमें आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। अभी मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ, गर्म पानी डाल रही हूँ मैं। अब इसके बाद आप अपनी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, अगर आपको इतनी ही चाहिए तो ठीक है, वरना 1 कप पानी और डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 2 कप पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए अब बिल्कुल सही लग रही है ये। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा खाना है तो आप 1 कप ही डालें इसमें। लेकिन राजस्थानी कढ़ी थोड़ी पतली होती है इसलिए मैं इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ। अब इसे उबलने देते हैं मीडियम फ्लेम पे और तब तक हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है और इसे उबलने देते हैं। वैसे भी कढ़ी को जितना उबाला जाता है वो उतनी ही टेस्टी बनती है। तो चलिए तड़का बना लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक तड़का पैन लिया है, उसमें 1 चम्मच भर के मैंने देसी घी डाला है। इसे गर्म होने देते हैं। घी गरम हो गया है, इसमें डालूंगी मैं
एक चौथाई चम्मच जीरा, क्योंकि हम पहले भी डाल चुके हैं, और एक चौथाई चम्मच ही यहाँ डाल रही हूँ मैं राई। अब डालेंगे इसमें लहसुन बारीक कटा हुआ, यहाँ 10-12 कलियाँ मैंने ले ली थी जिनको बारीक बारीक काट लिया था। इसका फ्लेवर जो आएगा कढ़ी में आप मानेंगे नहीं, अभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और जब ये हम तड़का कढ़ी में डालेंगे तो उसका स्वाद दोगुना हो जाएगा। चलिए अब इसमें डाल रही हूँ मैं एक मिर्च, खड़ी मिर्च डाली है मैंने, इसके 2-3 टुकड़े कर लिए हैं। और अब इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच ले रही हूँ मैं यहाँ पे। इसे डालते ही फटाफट इसे हटा लेंगे गैस पे ताकि ये जल ना जाए, और इसे फटाफट से कढ़ी में तड़का दे देंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना, और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है आप मानेंगे नहीं। और सबसे ऊपर डालेंगे हरा धनिया बारीक काट के, इसके बिना तो कढ़ी अधूरी लगती है। चलिए तो हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है। कढ़ी को रख देते हैं साइड में और पराठे की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने ये कच्चे लहसुन लिए हैं, हरे लहसुन 200 ग्राम के बराबर हैं ये लहसुन, और इससे पहले साफ़ कर लेते हैं अच्छे से, इस तरह से ऊपर से इसकी जड़ें हटा दें और पीछे से जो खराब पत्ते हैं उन्हें भी हटा दें। देखिए मैंने सारे हटा दिए हैं और इनको अच्छे से वॉश भी कर लिया है। अब इन्हें बारीक बारीक काटना होगा, तो थोड़े से लहसुन लेंगे, पहले मैं ऊपर के हटा देती हूँ, इनको बाद में काट लेंगे, पत्ते पत्ते पहले काट लेते हैं। और बिल्कुल बारीक बारीक काटें, और कैंची से काटेंगे तो ज़्यादा बारीक कटेंगे, चक्कू से काटने में थोड़ी दिक्कत आती है इनको। देखिए इस तरह से बारीक बारीक काटेंगे। मैंने सारे काट लिए हैं, इस तरह से सारे आप बारीक बारीक काट लें। और इसमें डालेंगे कुछ मसाले, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच मैंने जीरा लिया है साबुत, अच्छा लगता है ये पराठों में, और 1/2 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें अजवाइन। और अब यहाँ 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो भी डाल देते हैं इसमें, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और सबसे लास्ट में डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर। ये स्किप ना करें, ये ज़रूर डालें, क्योंकि लहसुन का जो तीखापन है वो थोड़ा कम कर देता है अमचूर पाउडर। और 1 चम्मच इसमें डालेंगे तेल, क्योंकि लहसुन बहुत सूखा सूखा होता है, इससे इसमें बाइंडिंग नहीं आती है, इसलिए हम तेल डालते हैं ताकि मसाला अच्छे से चिपक जाए इस पर। इस तरह से मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। चलिए पराठे बनाते हैं इसके। यहाँ मैंने आटा गूंद के रख लिया था पहले ही, वैसा ही आटा गूंदना है जैसे हम सिंपल रोटी के लिए आटा बनाते हैं, नरम आटा गूंदा है मैंने बिल्कुल। और 1 लोई बना के इस तरह से लेंगे और पहले थोड़ा बेलेंगे, इस तरह से पहले थोड़ा ही बेलना है, उसके बाद हम ये फिलिंग डालेंगे इसमें। एक चम्मच फिलिंग डाल रही हूँ मैं भर के, ज़्यादा नहीं भरे इसे, क्योंकि लहसुन का फ्लेवर जो है बहुत तीखा होता है, अगर ज़्यादा मसाला भर देंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है लहसुन का, इसलिए 1 चम्मच ही इसमें मैंने फिलिंग डाली है। इस तरह से इसको बंद करके एक्स्ट्रा जो भी है आटा उसे हटा देंगे, और इस तरह से सूखा आटा इस पर लगा के हम पराठों को बेलेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से इसे बेलेंगे ताकि ये फटे नहीं, फिलिंग बाहर नहीं आ जाए। इस तरह से हल्के हाथों से इसे बेलते रहेंगे। ये देखिए चलिए अब इसे सेक लेते हैं। तवा मैंने पहले ही गरम रख दिया था। जब ये एक तरफ से सिक जाए तो इसे पलट देंगे, दूसरी तरफ से सिकने देंगे, और यहाँ तेल लगाएंगे। आप घी भी लगा सकते हैं, लेकिन तेल में ये पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
और पलट देंगे और दूसरी तरफ भी एक चम्मच तेल लगा लेंगे। दोनों तरफ अच्छे से तेल लगाकर इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। ये देखिए पराठा एकदम फूल गया है और इस तरह से दबा दबा के आप इसे सेकें ताकि चारों तरफ से अच्छे से सेक जाए। ये देखिए अच्छी तरह से सिक गया है हमारा पराठा और कितना टेस्टी और कितना यमी लग रहा है देखने में ही। चलिए इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और अब करते हैं सर्व करते हैं कढ़ी के साथ इसे। देखिए कितना मज़ेदार है, फिलिंग चारों तरफ फैली हुई है, एक जगह इकट्ठी नहीं है। चलिए पहले कढ़ी डाल लेते हैं। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है और साथ में रखते हैं पराठे। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।